ट्रिक पॉइंट्स हैं जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। तो उस सूरत में अब आप वन रूट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो अगर कोई दो रूट हैं तो उनमें से अगर दोनों में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उस ये उस वक्त होंगे जब ए और सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, तो इस सूरत में ये जो भी इसके दो रूट्स होंगे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह अगर हम सी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो ये 100% श्योरिटी है कि इनमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट ज़ीरो लाजमिन होगा, वन रूट इज ज़ीरो। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो दोनों के अगर बी इज इक्वल टू ज़ीरो कर दें, यानी कि जो हमारे पास अगर बी इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो एक जैसे होंगे मगर अपोजिट साइन होंगे। बोथ रूट्स आर ज़ीरो इफ बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएंगे। तो उस सूरत में दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। मीन्स कि ये बी एक्स और सी एक्स वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर फाइव एक्स स्क्वायर कर देंगे तो उसके दो रूट्स आएंगे जिनका आंसर ज़ीरो ही होगा, ठीक है। रूट्स आर पॉजिटिव इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर। तो अब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए वो आपसे जस्ट ये पूछ ले, बताएं जी इसके रूट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो कि आपके पास बी की टू माइनस फोर ए सी है उसकी हेल्प से आपने बता सकते हैं कि रूट्स इनके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव या इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। तो इस सूरत में अगर आप उनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा ए है, तो रूट्स आर पॉजिटिव इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ए एंड सी आर ऑफ द सेम साइन एंड बी इज़ ऑफ इट्स अपोजिट साइन, यानी कि